गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम क्लास सिक्स की साइंस पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम की। हमारा पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का मतलब हम सभी जानते हैं, फूड क्या होता है हमारा, जो कुछ भी हम खाते हैं, खाना क्या होता है वो फूड। और वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये हमारा जो खाना हम खाते हैं वो कहां से आता है। तो इस चैप्टर को हम चार स्टेप्स में पढ़ेंगे। कितने स्टेप्स में पढ़ेंगे बच्चों? चार स्टेप्स में। पहला हमारा, हम पता करेंगे वैरायटी ऑफ फूड, मतलब किस किस तरह के खाने, अलग अलग तरह का जो खाना होता है जो हम खाते हैं, क्या क्या वैरायटी होती है उनकी। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसमें जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड हमारा सेकंड स्टेप होगा। तीसरा स्टेप होगा हमारा सोर्सेस ऑफ फूड, जो भी चीज हम खाते हैं उनके सोर्सेस क्या हैं, वो कहां से आते हैं। चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, जो भी एनिमल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा किस बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, व्हाट दे ईट। तो पहला स्टेप वैरायटी ऑफ फूड। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में आप क्या ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, टी, उसके साथ अगर कभी कभी आप क्या ले लेते हैं, बिस्किट्स, स्प्राउट्स, तो ये सारी चीजें हम ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं। क्या ये यही सारी चीज हम लंच में भी खाते हैं, लंच में भी यही सब खाते हैं? लंच में मोस्टली क्या खाया जाता है, दाल, राइस या फिर कोई वेजिटेबल करी, सब्जी। ऐसे ही जब हम डिनर करते हैं तो डिनर में भी हम कुछ अलग खाते हैं, और खाना भी रोज दिन ब दिन बदलता रहता है। आज आपने कोई सब्जी खाई, अगले दिन कोई सब्जी खाई, उसके बाद आपने कोई सब्जी खाई, तो ये जो भी हम खाते हैं वो बदलता रहता है, उसमें क्या होती रहती है, वैरायटी होती है, अलग अलग चीजें हम अलग अलग दिन पे खाते हैं। दूसरा स्टेप्स इंग्रेडिएंट्स, जो भी हम खाते हैं उसको बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए किसी वेजिटेबल करी का। वेजिटेबल करी हमारी कोई सब्जी, एक सब्जी को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होगा वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, इंग्रेडिएंट्स। वेजिटेबल करी, कोई भी सब्जी जब बनाई जाती है तो मेनली किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, वाटर की। जो सब्जी बना रहे हैं उस वेजिटेबल की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें नमक वगैरह डालेंगे नहीं, सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा मसालों की जरूरत पड़ती है, स्पाइसेस। तो ये सारी चीजें जिन जिन की हमें जरूरत पड़ी, क्या बनाने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ी वो सब क्या कहलाएंगे हमारे, इंग्रेडिएंट्स। वाटर भी हमारा क्या हुआ, एक इंग्रेडिएंट। जो वेजिटेबल इस्तेमाल की गई वो भी क्या हुआ हमारा, एक इंग्रेडिएंट। सॉल्ट भी क्या हुई, इंग्रेडिएंट। और ऐसे ही स्पाइसेस भी क्या हुए हमारे, इंग्रेडिएंट। तो हमारे दो स्टेप क्लियर हुए प्यारे बच्चों। पहला वैरायटी ऑफ फूड, मतलब जो अलग अलग तरीके के हम खाना खाते हैं, एक जैसा खाना हम रोज नहीं खाते, हम जो खाना खाते हैं वो बदलता रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, वैरायटी ऑफ फूड, वी ईट वैरायटीज ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स, जो खाने में खाना बनाते हैं तो उनमें जो चीजों का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। खाना बनाते समय जिन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है वही क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड की। किसकी बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ फूड की। हमारे जो भी खाना हम बनाते हैं या खाते हैं उनके मेनली दो सोर्स होते हैं, पहला है प्लांट्स और दूसरा सोर्स होता है हमारा एनिमल्स। अब प्लांट्स कैसे सोर्स हुआ और एनिमल कैसे सोर्स हुआ, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। जितनी भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो कहां से आती हैं, प्लांट्स से।
पौधों से ही तो आएंगी। जितनी भी सब्जियां हम खाते हैं किससे आती हैं? प्लांट से आती हैं। इसके अलावा और क्या क्या प्लांट से आता है? हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज वगैरह जो भी होते हैं, गेहूं चावल, वो सब भी कहां से आते हैं? प्लांट्स से। खेती होती है नहीं होती है इनकी खेतों में? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्लांट से लेते हैं। लेकिन हमें एनिमल्स से ऐसा क्या क्या मिलता है? एनिमल्स से हमें खाने की क्या क्या चीजें मिलती हैं जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं? वो हैं तीन मेन चीजें। अब तीन मेन चीजें कौन कौन सी हैं? हम सभी मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, वो कहां से मिलता है हमें? एनिमल्स से, काउ से, बफेलो से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड जो हमें एनिमल से मिलता है वो क्या हुआ? हमारा मिल्क। मिल्क के अलावा बहुत से लोग सर्दियों में, आप में से भी कुछ लोग खाते होंगे एग्स, अंडे। अंडे भी किससे मिलते हैं? एनिमल से ही तो मिलते हैं, मुर्गी से मिलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मीट। जो लोग मीट खा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं जो मीट खा लेते हैं, तो वो मीट कहां से मिलता है हमें? एनिमल्स से मिलता है। वो लोग जो शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स से बनी हुई चीजें खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियन। जो सिर्फ प्लांट्स से मिली हुई चीजों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस। और जो मीट या एनिमल सोर्स से बनी हुई चीजें खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप में हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ फूड, किस किस तरीके के खाने होते हैं और हम अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। दूसरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट क्या होता है? कोई भी चीज जो किसी भी चीज को, किसी भी खाने को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो हमारे क्या कहते हैं, कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि ये चार यहां पर लिखे हुए हैं। तीसरा है सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के दो मेन सोर्सेज कौन से थे? एक था प्लांट्स, दूसरा था एनिमल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हम प्लांट्स तो खाते हैं, प्लांट्स से हमें जो खाने की चीजें हैं वो मिलती तो हैं, लेकिन प्लांट्स के किस पार्ट से हमें वो खाने की चीजें मिलती हैं? सोचिए बच्चों। मैंने यहां पर क्या लिखा है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट वी ईट। किसी भी पौधे के, किसी भी प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं जिन्हें हम खाते हैं? अगर मैं लिखूं हम किसी प्लांट के रूट पार्ट को खाते हैं तो ये कहना सही होगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर मैं कहूं कि हम प्लांट की रूट को भी खाते हैं, जो जड़ होती है उसे भी खाते हैं, तो कितने लोगों को आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं? देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं रेडिश, कैरेट, टर्निप, गाजर, देखिए आप लोगों ने गाजर, मूली, सलजम, आप लोग जब भी देखेंगे कि आप में से जो लोग गांव से रहते हो, गांव से बिलोंग करते हो, या जिन्होंने कभी गांव में गए हो या खेती देखी हो इन तीनों की, तो उसमें क्या होता है? प्लांट्स ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, पत्तियां, और नीचे एक जड़ होती है। ये हमारी लेयर किसकी है? ये एक लेयर होती है सॉइल की। इस सॉइल की लेयर के नीचे हमारा क्या होता है? जड़ होती है। ये तीनों हमें ऐसे ही मिलते हैं। इस वाले पोर्शन को पकड़ के ऊपर खींच लिया जाता है और हमारी ये खाने वाला जो चीज है ये निकाल ली जाती है। किसी भी प्लांट का जो हिस्सा हम खाते हैं, किसी भी प्लांट का हम जो हिस्सा हम खाते हैं उसे कहते हैं एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। उस प्लांट का एडिबल पार्ट उसे कहा जाता है, ठीक है जी। एक बात हो गई रूट को हम खाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हम प्लांट की लीव्स को खाते हैं, लीफ को खाते हैं, पत्तियां। अगर मैं आपसे कहूं कि हम किसी प्लांट की स्टेम को खाते हैं, फ्रूट को खाते हैं,
और अगर आपसे कहा जाए कि किसी प्लांट के हम सीड्स को, बीज, सीड का मतलब होता है बच्चों बीज, किसी भी प्लांट की आप स्टेम खाते, लीफ खाते हैं, पालक खाते हैं आप लोग, मेथी का साग आपने सुना होगा, मेथी का साग, फेन्यूग्रीक ग्रीन्स, तो ये एक प्लांट का क्या होता है, लीफ होती है जिसे हम खाते हैं। एक है स्टेम, स्टेम किसी भी प्लांट का क्या होता है, तना। जैसे आपने गन्ना देखा है सुगर केन, अगर आप गन्ने को खाते हैं तो वो किसी प्लांट का कौन सा पार्ट हुआ, वो हुआ उस प्लांट का स्टेम। फ्रूट तो आप लोगों को पता ही है, सारे फ्रूट्स जो मार्केट में आप लेकर आते हैं वो किसी प्लांट के कौन से पार्ट से होते हैं, फ्रूट से होते हैं। सीड्स देखिए, वीट, राइस, मेज, जब गेहूं की या चावल की फसल पक जाती है तो पकने के बाद उस फसल के बीज पड़ जाते हैं, उन्हीं बीजों को हम निकाल लेते हैं और वही क्या होते हैं, वीट होते हैं या फिर राइस होते हैं। उसके बाद हम इसका क्या बनाते हैं, पिसवा कर आटा बनाकर इन चीजों का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। अब हम लास्ट स्टेप पर आएंगे अपने, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं इसके बेसिस पर हमने एनिमल्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए चार पार्ट्स कौन से होंगे, सबसे पहला पार्ट है हमारा हर्बीवोर, दूसरा है कार्निवोर, तीसरा है ओमनीवोर और चौथा है डिकम्पोजर्स। देखिए हर्ब का मतलब प्लांट और वोर का मतलब ईटर, खाने वाला। तो जो प्लांट्स को खाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम, हर्बीवोर, प्लांट ईटर। कौन कौन लोग प्लांट को खाते हैं, हमारी काउज हो गए, काउज, बफेलो, गोट एटसेट्रा, लिस्ट बहुत लंबी है। ये जितने भी हमारे एनिमल्स हैं किसे क्या, क्या कहलाते हैं, ये हर्बीवोर, क्योंकि ये क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट से बनी हुई चीजों को खाते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोर, ऐसे एनिमल्स जो मांस खाते हैं, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऐसे एनिमल्स जो मांस खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कार्निवोर। तीसरा है हमारा ओमनीवोर, ओमनीवोर जो होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, किसका, हर्बीवोर का और कार्निवोर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ओमनीवोर। ओमनी का मतलब ऑल और वोर का मतलब ईटर, जो सब कुछ खा जाता हो, प्लांट से बनी हुई चीजें भी खा जाता हो और एनिमल से बनी चीजें भी खा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। जैसे हमारा डॉग, डॉग होता है, आप रोटी डालोगे रोटी भी खा जाएगा और आप अगर मांस डालोगे तो मांस भी खा जाएगा। ऐसे ही होते हैं ह्यूमंस, जो इंसान होता है वो भी, मैंने बोला था ना, जो वेजिटेरियन खाते, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, हम लोगों में से भी तो वेजिटेरियन होते हैं, आपकी क्लास में ऐसा कोई होगा जो मीट खाता हो, हो सकता है, नहीं हो सकता, आपकी जान पहचान में कोई हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, ओमनीवोर। और एक होते हैं डिकम्पोजर्स, इनका क्या काम होता है, देखिए आप सड़क पे से कभी जाते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे कोई एनिमल मर गया है, एनिमल मर गया है, उसके बाद एनिमल मरने के बाद एक महीने तक वो वहीं पड़ा रहता है उसी कंडीशन में, नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, वो एनिमल्स वहां से कम होना स्टार्ट होता है, कुछ कुछ एनिमल्स आते हैं उसका मांस खा जाते हैं और कुछ मांस को छोड़ जाते हैं। जब वो मांस कुछ बच जाता है तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उसे पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं, किसमें डिकम्पोज कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा
क्लीन होता है। कोई भी अगर किसी भी एनिमल की बॉडी वहीं पर पड़ी रहेगी, उसमें बदबू आती रहेगी, तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा? पॉल्यूटेड होगा, हमें बुरा फील होगा। तो ये डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है कि कोई एनिमल एनिमल की जब डेथ होती है तो डेथ होने के बाद ये बैक्टीरिया उसे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए,